नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे टेक्निकल जय गुरु जी के फ्रेश एपिसोड में। और जैसा मैं हमेशा के लिए कहता हूँ यार, नॉइज रिडक्शन ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल विदाउट दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल, आज हम जो बात करेंगे वो है सैमसंग गैलेक्सी A70। जी हाँ, A70। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अप्रैल तक क्या पता क्या हो जाए, 10 अप्रैल को इवेंट है ये भाई साहब, उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि लॉन्च हो गया है सब कोरिया के अंदर, और यहाँ पे प्राइस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी प्राइस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसी फोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो बाहर आती है सबसे पहले 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले FHD रेजोल्यूशन के साथ में यू शेप वाली नोच वाली आपको भाई साहब डिस्प्ले मिलेगी, तो वह काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों वह काफ़ी ज़बरदस्त होगी अपने आप में। यहाँ पर हालांकि जो प्रोसेसर है ना अभी तक नहीं पता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, प्रोसेसर यार ऑक्टा कोर लिखा है, देखना है एक्चुअल में कौन सा लगा के देते हैं, 7905 या फिर और कोई। हालांकि एक्जिनोज काफ़ी बेटर चिपसेट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, NFC, ब्लूटूथ, हॉट स्पॉट, गाइडोस्कोप, ऑल सेंसर, ऑल कनेक्टिविटी इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये मोबाइल क्लियर हो सकता है अगर आता है 20,000 के अंदर। हालांकि ये 50 है यार, वहाँ पर अवेलेबल लगता नहीं है, 70 जाएगा शायद से 25,000 को। तो यार सैमसंग काफ़ी अच्छे काम भी करती है, लेकिन यार जो उसकी मेन बात है ना वो है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, और सेल्फी भी 24 मेगापिक्सल की होगी। 32 मेगापिक्सल का रियर सेंसर होगा और दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल होगा, जो का अल्ट्रा वाइड यानी कि 120 डिग्री पर आप वाइड कर सकते हैं, तो मोबाइल काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। साथ में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ भी मिलेगा, तो वो काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में। यार देखते हैं कितनी जल्दी आता है ये इंडिया के अंदर, और प्राइस 25,000 के अंदर हो तो काफ़ी मज़ा ही आ जाएगा। USB Type-C पोर्ट के साथ में आएगा, और भाई साहब 4500 mAh की बैटरी भी आती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में। तीन चार कलर में आता है, आपको पता है ब्लू, ब्लैक, वाइट, सिल्वर एडिशन वाला, तो मोबाइल काफ़ी ज़बरदस्त है जिसे मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि डिस्प्ले भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यू शेप वाली नोच के साथ में आता है, यानी कि ड्यू ड्रॉप बोलते हैं, बहुत से कुछ बोलते हैं, तो मोबाइल काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है। ये भी अभी तो सारी लीक्स रूमर्स जो भी थे, हालांकि लॉन्च हो गया है ये मोबाइल, नोटेड फॉर इंडिया आउट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं एक्चुअल में कब तक बाहर आता है निकल के, यानी कि इंडिया में आता है, और जैसे ही आएगा सभी लीक्स रूमर्स आपको हम बता देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, अंटिल हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सी यू, बाय बाय।